महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। हालांकि बारामती में अजित पवार के एनसीपी से एक नेता ने कुछ ऐसा किया कि उनके साथ साथ और लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। दरअसल एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें देखा गया कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर मतदान के दौरान आरती की थाली लिए ईवीएम की पूजा करने पहुंच गई। मामला बारामती लोकसभा क्षेत्र के खड़कवासला पोलिंग बूथ का है। बीते मंगलवार को रूपाली चाकणकर थाली और दिया लिए वोटिंग सेंटर पहुंची और उन्होंने ईवीएम की आरती उतारते हुए मशीन की पूजा की। केंद्र पर मौजूद चुनाव अधिकारी की नज़र इस पर गई तो उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद चाकणकर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। हालांकि बारामती में अजित पवार के एनसीपी से एक नेता ने कुछ ऐसा किया कि उनके साथ साथ और लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। दरअसल एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें देखा गया कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर मतदान के दौरान आरती की थाली लिए ईवीएम की पूजा करने पहुंच गई। मामला बारामती लोकसभा क्षेत्र के खड़कवासला पोलिंग बूथ का है। बीते मंगलवार को रूपाली चाकणकर थाली और दिया लिए वोटिंग सेंटर पहुंची और उन्होंने ईवीएम की आरती उतारते हुए मशीन की पूजा की। केंद्र पर मौजूद चुनाव अधिकारी की नज़र इस पर गई तो उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद चाकणकर के खिलाफ केस दर्ज किया गया।